दो टीमें जो नीचे हैं उनके बीच में है ये मुकाबला, और देखिए साउथ अफ्रीका के लिए भाई सीधी बात होगी, साउथ अफ्रीका कल हार गई तो फिर बाय बाय लगभग, क्योंकि इसके बाद तो अगर आप कल चौथा मैच हार गए तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप 5-5 जीते और फिर भी क्वालिफाई ना करें। बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कल का मुकाबला जरूर जीतना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, पर वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से अच्छा खेलेगी साउथ अफ्रीका कल, क्योंकि मैच साउथहैम्पटन में है और वहाँ वो इंडिया से हारे थे तो एक मैच खेल चुके हैं, थोड़ा पिच का आइडिया हो गया होगा किस तरह से खेलना है, थोड़ा ऑफकोर्स उनकी इंजरीज भी काफ़ी हुई हैं, प्लेयर्स मेन प्लेयर्स खेले नहीं इस टूर्नामेंट में तो उसका उनको लॉस हो रहा है, पर मेरे ख्याल से कल के मैच में मैं बैक करूँगा साउथ अफ्रीका को, क्योंकि उनके पास रबाडा है, थोड़े फिर लुंगी वापस आएंगे अच्छे की बाजी कर रहे हैं ये तो कल, और वेस्ट इंडीज का क्या है कि अभी पिछला मैच इस तरह मैंने देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो गेम में बने थे उसके बाद वहाँ से मैच हार गए, पर मैं लगता है कि जो अगर आप टीम देख लें लुंगी एंगिड़ी पता नहीं फिट है नहीं है, वो देखना पड़ेगा, उनका बहुत मिस कर रही टीम, शमशी खेले पिछला मैच, ताहिर खेले इतना कुछ खास कर नहीं पाए, मेन उस वो पिच थोड़ा तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है। तो ब्यूरन हेंड्रिक्स आए डेल स्टेन की जगह वापस, मैं तो कहूंगा पिटोरियस को जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका ने मेरा ये मानना है कि भारत के खिलाफ भी गलती करेगी, ताहिर और शमजी दोनों को खिलाया, आप पिटोरियस को ही खिलाइए, तेज गेंदबाज है, साउथहैम्पटन में गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी कि, और उस नंबर पे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, दो स्पिनर हैं आपके पास, एक डुमनी है एक ताहिर है, क्योंकि डुमनी पूरे 10 ओवर भी करते हैं साउथहैम्पटन में शायद, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास 5 या 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल निकलस पूरन, हेटमायर, क्रिस गेल, एवन लुइस, ब्रावो, सो और नीचे भी बैटिंग एक दो लोग हैं जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो आपके पास जब 4 या 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज और डुमनी 7-8 ओवर डाल सकते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि तीसरे फिरकी गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको जरूर रुख करना चाहिए या तो ब्यूरन हेंड्रिक्स की तरफ कि जो आए हैं रिप्लेसमेंट आपने कहा डेल स्टेन की, या फिर प्रिटोरियस में कहूंगा जो एक मैच खेल चुके हैं, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, थोड़ी अगर गेंद हरकत करेगी तो वो बेहतर कर सकते हैं साउथहैम्पटन। वो वैसे मैं आपको बता दूं कि वो जब मैं हिंदी में नाम पढ़ रहा था उनका, मैंने देखा कि मैंने कहा मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, तरबूज शमजी लिखा हुआ था शायद, मैंने कहा एक मिनट या तो भूख लग रही होगी, मतलब क्या है गर्मी में तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है, पर एनीवे कल वो आएंगे नहीं आएंगे पता चलेगा, लुंगी नगीड़ी खेलेंगे या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। देखें अगर वेस्टइंडीज जैसा कि आशीष ने कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत हैं, ऊपर क्रिस गेल को देखें आप, एवन लुइस, ड्वेन ब्रावो नहीं खेले थे पिछला मैच, शे होप हैं वहां पर, और शे होप के ऊपर काफी होप टिकी रहेगी वेस्टइंडीज की, क्योंकि एक लोकल बल्लेबाज हैं, देखिए बाकी जितने भी है ना वो सब ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, ये 20 ओवर का मैच नहीं, ये मुकाबला 50 ओवर का है, आप हेटमायर की बात करें, लुइस की बात करें, निकलस पूरन, क्रिस गेल, नीचे आंड्रे रसल, कार्लोस ब्रेटवेट को तो सब जानते हैं कितने बड़े बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, दो जो खिलाड़ी हैं कि जो इनिंग थोड़ी एंकर कर सकते हैं वो एक नाम है होप और दूसरा नाम शायद आपको सरप्राइज लगे मेरे हिसाब से वो दूसरा नाम है होल्डर, कि वो मेरा अभी भी ये मानना है कि उनकी जो बल्लेबाजी है ना वो मुझे उनकी गेंदबाजी से बेहतर लगती है। नहीं बिल्कुल सही बात कहते हैं, और आप उनको देखे भी जब बल्लेबाजी कर रहे हैं वो तो लगता है कि बड़े ठंडे दिमाग बड़े शांत हैं वहाँ पे, और मेरे को पता नहीं अगर आपने उनका 200 देखा था जब वो इंग्लैंड के खिलाफ मारा था उन्होंने, बहुत ही बढ़िया पारी जो 50 रन भी बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ी काबिले तारीफ, लंबे कद काटी की और उनकी रीच बहुत है, कि कई बार ऐसा लगता है जब स्पिन को खेल रहे होते हैं कि स्पिनर ने बिल्कुल परफेक्ट गेंद डाला, बड़ा दूर डाला और लीन करके ड्राइव मारते हैं, कवर्स पे बड़े कम खिलाड़ी आपको दिखेंगे आज की डेट में जो लीन करके राहुल द्रविड लेट लेट के मारते थे ना कि लंबा कॉपी बुक कवर ड्राइव, उस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज 20 ओवर में 90-5 भी है, सॉरी माफ कीजिएगा 90-3 या 4 भी है तो वो 20 से लेके 40 ओवर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं और 80 गेंदों पे 55-60-65 रन बना सकते हैं, उनका साथ तो देखो ही, पर ये यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले मैच में भी एंड्रे रसल जो हट गए और क्रिस मिचेल स्टार्क को मार रहे थे उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, 8-10 ओवर बाकी थे अभी मैच में, पर वो है नहीं, ये बोलना बेकार है कि कोई जरूरत नहीं थी, उधर गाड़ी में एक ही गियर है, अब तक तो आपको पता लग जाना चाहिए, अगर वो गियर लग गया पर सर तो फिर भेस भी तो होना चाहिए ना, फिर 5 ओवर में मैच इधर का उधर और आउट तो आउट, उन्होंने उनको 7-8 ओवर के लिए रखना चाहिए, अगर 8 ओवर में 100 भी चाहिए होगा ना तो शायद किसी दिन बना देंगे, पर होल्डर की बात करूंगा, होल्डर का जो जब कप्तानी करी तो बहुत मुश्किल दौर में थी टीम उनकी, बिल्कुल जहां से वो टीम को लेके आए, अब तुमके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लोग बहुत लोग का मानना ये भी कि ये टीम टॉप 4 में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कल जीत गई तो हो सकता है, तो उसका जो श्रेय जाता है टीम जो बनाई है मुश्किल दौर में वो होल्डर का बहुत नाम आएगा, उसमें अच्छे बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, कप्तान अच्छे कप्तान है,
तो मुश्किल टाइम में टीम को निकाल के लाए, यहाँ तो पक्की पकाई टीम मिली, कुछ प्लेयर ऐसे मिले हैं जो चल गए तो मैच निकाल लेंगे अकेले दम पे, चाहे वो क्रिस गेल हो, रसल हो। तो उम्मीद यही होगी कि कोई प्लेयर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की अपने कि भाई मेरा काम है गेम खत्म करना, ना कि मेरा काम है कि नेचुरल गेम खेलना, ऐसा नहीं होता। आपको परिस्थिति हालात देख के अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है।